वेलकम टू माय चैनल जनरेटर वाला। आज हम आपको होंडा EU30 IS जनरेटर अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। न्यू जनरेटर है, ऑस्ट्रेलिया से भैया ने पैसा डाला था और ये कल ये निकल जाएगा पंजाब के लिए। तो आज आपसे पूरी अनबॉक्सिंग करेंगे, कंपनी बॉक्स के अंदर क्या क्या देती है, कितनी वारंटी मिलती है, पूरा आपको इसकी स्पेसिफिकेशन हर चीज़ आपको पूरी रिव्यू देंगे, पूरा डिटेल देंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट, बॉक्स पे कुछ मेंशन भी किया कंपनी EU30 IS मॉडल, सेल्फ स्टार्ट मॉडल है। दो मॉडल आते हैं IIS, तो IIS मॉडल है कंपनी का। योर पावर, योर ओन पावर स्टेशन, प्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा साइलेंट, अल्ट्रा साइलेंट, अल्ट्रा क्लीन, अल्ट्रा कॉम्पैक्ट जनरेटर है। ये सर्टिफाइड है, देखिए सेंट्रल बोर्ड से सर्टिफाइड है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड से सर्टिफाइड है। ये देख सकते हैं, ये अभी की मैन्युफैक्चरिंग भी है, जून 2021 मैन्युफैक्चरिंग। अब इसका रेट बढ़ चुका है, मार्क 1,18,300। पूरी डिटेल लगी हुई है आज। अब इसके अंदर क्या क्या मिलता है आपको दिखाते हैं। पोर्टेबल जनरेटर, देखिए बॉक्स से जनरेटर बाहर निकाल लिया। अब क्या क्या कंपनी देती है पहले देखिए। यूजर मैनुअल है, वारंटी बनने का ये बिल बन रहा है, इसलिए यूजर मैनुअल कंपनी में जमा है। कंपनी आपको टूल किट में देती है एक प्लग रेंज, और ये एसी चलाने के लिए होता है आपका सॉकेट पावर प्लग, वो हम अपने पास से फनल एक दे देंगे भैया को। बाकी अब इंजन की स्पेसिफिकेशन देखिए, रेट होता है फनल, ये होता है पहले कंपनी देती थी, अब इस मॉडल में जगह की वजह से नहीं दे रही है। ये फनल हम इनको दे देंगे, फनल इससे आप इंजन और डाल सकते हैं अपना। अब आपको जनरेटर दिखा, चमचमाता जनरेटर बॉक्स से बाहर आ चुका है, देख सकते हैं। जनरेटर को न्यू जनरेटर है, अभी 0 आर भी देखिए 0 आर कंपनी ने, जब न्यू जनरेटर था वो 2 की मिलते। अब आपको इसके पूरी स्पेसिफिकेशन देते हैं इंजन की, जनरेटर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन देते हैं। देखिए अल्ट्रा कॉम्पैक्ट जनरेटर कंपनी कहते हैं, तो अल्ट्रा कॉम्पैक्ट है, कुछ छोटा जनरेटर होता है ये। इसका वेट भी आपका 60 kg का होता है। चलिए अब इसका इंजन खोलते हैं, देखिए नया बिल्कुल चमचमाता। अब आपको इसकी स्पेसिफिकेशन देते हैं आपको, तो इसमें होंडा का GX200 इंजन होता है, OHV ओवरहेड वाल सिंगल सिलेंडर इंजन, एयर कूल्ड इंजन, इंजन कंट्रोल आई मॉनिटर, जो ये आई मॉनिटर ये इंजन कंट्रोल करता है। देख सकते हैं जो आई मॉनिटर है ये पूरा इंजन कंट्रोल करता है, क्योंकि इन्वर्टर प्लेट लगी थी वही पूरे इंजन कंट्रोल करती है। चोक इसमें ऑटोमेटिक लगती है, कहीं से आपको चोक लाने की जरूरत नहीं, चोक जो इसकी है कहीं चोक नहीं है, चाबी घुमाते चोक स्टार्ट, ऑटोमेटिक चोक लगती है। देखिए मोटर लगी हुई है, ऑटोमेटिक चोक लगती है। देखिए रोप स्टार्ट है, इलेक्ट्रिक भी है, इसमें सेल्फ से स्टार्ट होगा और रोप से स्टार्ट कर देगा, कभी आपकी बैटरी डाउन हो जाती तब। जो लिखा होता था उसका स्टिकर पहले यहाँ पे होता था इस पैनल पे, अब आपको सीधे इस बोर्ड पे दिखाई देता है, जो आपका मीटर वाला बोर्ड यहाँ सब इसके बारे में लिखा हुआ देख सकते हैं। वोल्टेज 230 है, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 Hz रेटेड, आउटपुट 2.8 kV, मैक्सिमम आउटपुट 3 kV है, सिंगल फेज फ्यूल पेट्रोल, मैक्सिमम आउटपुट 3000 वाट देते हैं। लोग 3000 वाट पूरा नहीं लेना, 2800 वाट आपको लेना है, 200 वाट कंपनी एक्स्ट्रा देते हैं, जैसे कभी आपको अप डाउन हो जाए तो इसको कवर कर लें। कुछ इसके हाईलाइट फीचर बता देते हैं, इसमें क्या क्या हाईलाइट, ऑयल लाइट दे रखा है देखिए, जैसे ऑयल लाइट, जैसे आपका इंजन ऑयल लेवल कम होगा तो लाइट जलने लग जाएगी, ऑयल लाइट देख सकते हैं, ऑयल लाइट लाइट है, जैसे ही आपका इंजन ऑयल लेवल कम हो तो लाइट जलने, इसका मतलब आपको इंजन ऑयल चेंज करना है या कम है तो उसको टॉप अप करना है। एसी सर्किट ब्रेकर, ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर लगा, जैसे आपका ओवरलोड होता है तो ये अपना आप कट हो जाएगा। आउटपुट इंडिकेटर दे रखा है, जब स्टार्ट करेंगे तो लाइट जलने लग जाए, ब्लिंक करने लग जाती है। स्पेशल फीचर भी देख बता देते हैं आपको, तो ये सुपर साइलेंट जनरेटर होती है, ये साइलेंट होते हैं, ये सुपर साइलेंट होते हैं, बिल्कुल ये नॉइज नहीं देते, बिल्कुल सुपर साइलेंट। इको फ्रेंडली जनरेटर है, कंज्यूमर फ्रेंडली, कस्टमर बहुत इजीली कहीं कैरी भी कर सकते हैं इसको, बहुत छोटा जनरेटर देख सकते, 62 kg, 2 लोग आराम से इसको उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूल टैंक है आपका 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका, जैसे आपका ये गेज है, जैसे आपको देखिए बना हुआ है, यहाँ से लेवल ऊपर होता है, यहाँ से लेवल कम होगा आपका। मेंटेनेंस कितने आवर्स में, जैसे अभी नया जनरेटर की फर्स्ट सर्विस 20 आवर्स में होगी, सेकंड होगी आपकी 50 आवर्स में, और थर्ड होगी 100 आवर्स में, 80 to 100 आवर्स में सर्विस आपको करनी, फिर आप रेगुलर अपनी 80 to 100 आवर्स सर्विस करते रहें। एयर फिल्टर आपको 40 आवर्स में क्लीन करना पड़ेगा, स्पार्क प्लग आपको 300 घंटे में चेंज करना पड़ेगा इसका, और जिसमें ऑयल ग्रेड होता है ऑयल का वो आपका 10W30। इंजन ऑयल आपका यहाँ से पड़ेगा इसका, दिखा देते हैं आपको, ये चैम्बर है, इसको ऐसे खोलेंगे आप, यहाँ से ऑयल ड्रेन करना है, यहाँ से आपको डालना 650 ml आपको डालना रहेगा, 10W30 कैस्ट्रॉल सर्वो का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको और सीधा ही डालना, जैसे जिस पोजीशन में उसी पोजीशन, तिरछा अच्छा नहीं करना है। इस पर आपको होंडा 2 ईयर की वारंटी और 3 फ्री सर्विस देती है, और बाकी यूजर मैनुअल से हर चीज लिखी हुई आप उसको पढ़ के चेक कर सकते हैं, इंजन ऑयल खुद आप 100 घंटे में चेक कर सकते हैं, चेंज करना रहेगा आपको। इसकी सर्विसिंग का वीडियो पड़ा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नया जनरेटर से पहला सेल्फ लेते हैं, इसको यहाँ पे लोड डालेंगे हम, पूरा आपको लोड टेस्ट कराते हैं। EU30 IS का जी स्टार्ट है, ये चाबी ऑन करनी है आपको, पावर लग गई है, चोक नहीं लगती, बस देखिए स्टार्ट हो गया, इंडिकेटर जलने लगा है, अब यहाँ पे देखिए पावर आ गई, 250 वाट वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं बता रहा क्योंकि अभी लोड नहीं पड़ा, बिल्कुल अल्ट्रा साइलेंट चल रहा है देखिए, ये फुल लोड पर कर दिया, इको मोड ऑफ कर दिया इसका,
अब यहाँ पे लोड डालते हैं। ये 1000 वाट की हैलोजन है, ये 500 वाट की, 200 वाट के बल्ब। तो ये 1000 वाट की जलाते हैं, 1000 वाट, 1200, 1400, 1600 और ये आपका 500 वाट, 2100 वाट डाल दिया। अब इसके मीटर के पास चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इसका मीटर है, ये देखिए अभी 0 वाट चला, कुछ चला नहीं है। ये देखिए 2050 वाट दिखा रहा है, जितना लोड डाला उतना वाट दिखा रहा है यहाँ पे देखिए। अब यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। सुपर साइलेंट जनरेटर, कोई आवाज नहीं देखी। अब इसको बंद करते हैं। जनरेटर बंद हो गए। इको मोड का काम होता है, जैसे आपका लोड 1500 वाट है तो आप इको मोड पर चला, जैसे आपका लोड कम है, जैसे आप लाइट फैन टीवी चला रहे हैं तो आप इको मोड पर, कूलर चलाएं तो इको मोड पर चलाइए। जब आप एसी चलाएंगे तो इको मोड ऑफ करना पड़ेगा आपको। ऑन है, ऑफ कर देता है, ये फुल आरपीएम पे चले। ऑफ करेंगे तो लो आरपीएम चले तो फ्यूल कंजप्शन कम करता है, मतलब आपका 500-600 घंटे में फुल लोड पे 1 लीटर खाता है ये। तो आपका एक एसी चल जाएगा, इन्वर्टर एसी आ रहा है आजकल 8 टन का 6.5 एम्पियर का, वो चल जाएगा। मोटर पंप वाटर मोटर चल जाएगी आपकी, टीवी फ्रिज कूलर सब चलेगा इससे। लेकिन एक एसी और फ्रिज आप, एसी और मोटर आपकी एक एक, जैसे आपकी 1 HP मोटर है, 1 HP 1.5 HP दोनों मोटर चले, लेकिन आपको सब बंद करके मोटर चलेगी। जब आपका पानी बह जाए फिर आप एसी चलाइए, आराम से चलेगा आपका। नट खोलने जाए 10 नंबर की चाबी खोलना है तो पानी निकल रहा है, ऐसे निकल जाएगा आपका। सीधा रखेंगे, इसी पोजीशन में रखना है सारा, जैसे आपका पुराना मोबाइल निकल आएगा ऐसे निकला है। तो फिर आपको इसके ऊपर नया इंजन ऑयल डाल देना, 10W30 650 ml। इंजन ऑयल निकल चुका है, अब ड्रेन नट वापस लगा देना, आराम से कसना है, बिल्कुल आराम से। जैसे हम लोग कस्टम को आराम से कसिए, ये वार्सल होता है, अगर ये वार्सल गिर जाएगा तो आपका ऑयल लीक करता रहेगा, ये वार्सल हमेशा ध्यान दीजिए रखा लगा हुआ। ये हो चुका है देखिए कंप्लीट। अब इसका ये कवर आपको लगा देना है और यहाँ से नया इंजन ऑयल पड़ेगा आपका। जनरेटर यूज़ करें बाहर खुले एरिया में यूज़ करें, उसको बॉक्स के अंदर रखते हैं, फिर आपको आगे दिखाते। जनरेटर पैक कर दिया, बॉक्स के अंदर पैक हो चुका है, टेप लगा दी। कल ये बुक होगा, बिल्टी दिखाएं इसका वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा, 2800 जनरेटर उसका वीडियो आएगा नेक्स्ट, वो जा रहा है आपका महाराष्ट्र और ये जा रहा है आपका पंजाब। बाकी सारे जनरेटर लगे हुए देख सकते हैं, होंडा के ब्रश कटर, स्टील के ब्रश कटर सारे लगे हुए हैं। अगर आपको कोई भी जनरेटर चाहिए तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। कोई भी जनरेटर स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। पैड होते हैं जैसे कि 2800 के पैड हैं ये सब, ये आपके लगते हैं जनरेटर के ऊपर, जैसे जो साइलेंट करता है सिर्फ साइलेंट करते हैं, पैड देखे रखे हैं साइलेंट करना, होंडा के ओरिजिनल। बाकी सारे जनरेटर लगे हैं, ये BK 1000 में लगा हुआ है, स्टील का ब्रश कटर मिल जाएंगे, बाकी सारे स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे, होंडा स्टील कंपनी के भी स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे आपको। अगर मेरा वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।